करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर म्हणतात उद्याचे काम आज करा आणि आजचे काम आत्ता, एका क्षणात आपत्ती येऊ शकतात मग काम कधी करणार। इन्व्हेस्टर डिले देअर इन्व्हेस्टर डिसिजन्स एव्हरी टाईम, देर इज अ न्यू रिझन। राईट नाऊ द रिझन इज कोरोना इफेक्ट विच विल अफेक्ट ग्लोबल जी डी पी, अँड इफ ग्लोबल जी डी पी कम्स डाऊन वॉट विल हॅपन टू अवर इन्व्हेस्टर्स इन्व्हेस्टमेंट्स। सो आय वी ऑलवेज टेक टेल अवर इन्व्हेस्टर्स टू टेक इन्फॉर्म डिसिजन्स ॲज पर गोल्स ऑफ लाईफ। नाऊ आय रिक्वेस्ट अवर पीफा पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण छाजेड फॉर थँक्स गिविंग, कारण शेवटपर्यंत कुणी थांबत नाही। तर आम्ही हा उपक्रम केला आहे की एका पहिल्या तासानंतर थँक्स गिविंग करून टाकतो। थँक्यू प्रवीण सर। थँक्यू मनोज। माझं वाक्य मनोजनीच चोरलं, शेवटपर्यंत कुणी थांबत नाही। आपण लग्नाला जातो आणि एकदा अक्षता पडल्या की आपलं लक्ष दुसऱ्या साईडला असतं। नवरदेव नवरीला जाऊन भेटण्यापेक्षा आपण आपलं आधी फूड घेऊ आणि नंतर मग भेटू या निवांत सावकाश। तर तशी परिस्थिती इथे पण होते। शेवटचं लेक्चर झाल्यानंतर थँक्स म्हणायच्या वेळेला इथे कोणीच नसतं, म्हणून आम्ही आलेल्या लोकांचं आधीच थँक्स म्हणून घेतो, कारण तुम्ही लोक आमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहात। मध्यंतरी दोन चार लोकांनी आत्ता बाहेर विचारलं की टॅक्सेशनवरती काही बोलणार आहेत का, तर आजच्या ह्याच्यामध्ये टॅक्सेशनचा विषय नाही आहे, आम्ही तो विषय घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। मनोजनी जसं सांगितलं की कबीरचा दोहा, कल करेसो आज कर, आज करेसो, त्याचं मी थोडं उलटं सांगतो। आज करेसो कल कर, कल करेसो परसो, जिंदगी पडी हे भाई बरसो, क्यों करे हम आज। अशी परिस्थिती आपल्या लोकांची होते की ठीक आहे, मला एस आय पी करायचं ना करीन, मला सेव्हिंग करायचं ना करीन, पण ते लांबत जातं आणि मग ते कल करेसो आज कर हे होत नाही, म्हणजे कबीर जरा खोटा ठरतो। ओके, मला मुख्य काम सांगितलेलं आहे थँक्स गिविंगचं। सो तुम्ही सगळे उपस्थित लोक जे आहेत त्या सगळ्यांना माझ्याकडनं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही आलात आणि आम्हाला थोडंसं तरी प्रोत्साहन दिलं की आम्ही असे कार्यक्रम परत परत करत राहू। ग्रेट, वी आर रिअली ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर्स बिकॉज ऑफ हुम वी कॅन कंडक्ट सच अ प्रोग्राम्स इन पुणे सिटी फॉर अ लॉंग टाईम। मे बी लास्ट फोर फाय इयर्स वी आर डुईंग इट, अँड एव्हरी इयर वी डुईंग इट फॉर 3 to 4 टाईम्स, अँड एंगेजिंग विथ द यशवंतराव चव्हाण, बालगंधर्व रंगमंदिर, अँड ब्रिंगिंग टॉप स्पीकर्स इन द इंडस्ट्री टू द स्टेज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन ॲक्च्युअली। सो नाऊ आय थँक यू एव्हरीबडी हू इज स्पॉन्सरिंग। आय विल जस्ट नेम द पीपल। देर इज अ प्लॅटिनम स्पॉन्सरशिप विच वी हॅव गॉट फ्रॉम HDFC म्युच्युअल फंड, महिंद्रा म्युच्युअल फंड, LIC म्युच्युअल फंड अँड सुंदरम म्युच्युअल फंड। थँक यू फॉर देम ऑल। इवन ॲक्सिस म्युच्युअल फंड इज अ प्लॅटिनम स्पॉन्सर। देन इज अ डायमंड कॅटेगरी, इन दॅट मिराई ॲसेट, युनियन बँक, मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रुडेन्शियल, PGIM, कोटक म्युच्युअल फंड, निप्पॉन विच वॉज अर्लियर अ रिलायन्स म्युच्युअल फंड, अँड फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंड। इन गोल्ड कॅटेगरी वी हॅव अ गोल्डन AMC, इट्स अ व्हेरी स्पेशल AMC अँड इट्स ओनली वन स्पॉन्सरशिप इन गोल्ड कॅटेगरी, सो ही इज द टॉपर इन गोल्ड कॅटेगरी, IDFC म्युच्युअल फंड। इन सिल्वर कॅटेगरी वी हॅव SBI म्युच्युअल फंड, इन्वेस्को म्युच्युअल फंड, टाटा म्युच्युअल फंड अँड कॅनरा रोबोको म्युच्युअल फंड। आय थँक यू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन। थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू प्रवीण सर। मी आता तुम्हाला एक किल्ली दाखवणार आहे। मी हिमाचल प्रदेशला गेलो होतो तेव्हा एका रोडवर, कॅमेरा थोडा मोठा करता येईल याच्यावर, तर ही किल्ली मला मिळाली। नॉर्मल केसमध्ये काय होतं की मी पण खूप इन्व्हेस्टरला भेटतो, आमचे मित्र पण इन्व्हेस्टरला भेटतात, कारण सगळे डिस्ट्रीब्युटर आहेत आणि प्रत्येकाच्या डोक्यात इतके कुलप लागलेले असतात की जसा आत्ताचा ताजा विषय कोरोना, पण तुम्ही व्हॅलेंटाईनला निमित्त कोरोनाचे मेसेज पण बघितले असतील वेगळ्या अर्थाने। पण मला हे म्हणायचं आहे की आयुष्यात प्रत्येकाला एवढे प्रॉब्लेम आहेत आणि आपण शोधतो की कुणीतरी येईल आपल्या आयुष्यात आणि आपले प्रॉब्लेम सोडून जाईल, पण आपण असं का नाही धरत की यार माझ्याकडे पण देवाने एक किल्ली दिली जी मास्टर की आहे आणि मी माझे प्रॉब्लेम सोडवू शकलो तर दुसऱ्यांचे पण सोडवू शकतो। आणि आयुष्यात प्रत्येकजण किल्लीचा शोध घेत फिरत असतो, पण ही व्हर्च्युअल की जर तुम्ही माइंडमध्ये त्या सिक्रेट
बुक जर बघितलं असेल त्याच्यावरची जी की आहे ती ही कीचं प्रतीक आहे. पण अशी किल्ली जर आयुष्यात मिळाली तर मला असं वाटतं आयुष्य खूप सुंदर होऊ शकतं. जे प्रत्येकाचं छोटंसं आयुष्य आहे पण त्या छोट्याशा आयुष्यातले प्रॉब्लेम नक्कीच कमी होतील. आणि मला असं वाटतं आजचा प्रोग्रॅम तुम्ही अटेंड केल्यानंतर एक नक्की व्हर्च्युअल किंप तुम्हाला मिळेल. आता जे स्पीकर येणार आहेत त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मी पिफा डायरेक्टर योगेश भावेंना विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यावं. आत्ताचे स्पीकर हे अतिशय फ्रेंडली पर्सन आहेतच म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीतले पण ऑलवेज क्लोज टू डिस्ट्रीब्युटर्स. तर त्यांची ओळख योगेश करून देतोय. थँक्यू मनोज. आजचे जे आपले दुसरे स्पीकर आहेत मिस्टर जितेंद्र पाल सिंग हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत आणि महिंद्रा म्युच्युअल फंडमध्ये चीफ मॅनेजमेंट मार्केटिंग ऑफिसर ही पोस्ट हँडल करत आहेत. आज जितेंद्र पाल सिंग हे खरं सांगायचं तर मी पहिल्यांदाच नाव पूर्ण ऐकलं आहे बिकॉज वी ऑल नो देम बाय नेम बाय जे पी सर. प्रायर टू महिंद्रा म्युच्युअल फंड दे आर ऑल्सो हॅविंग अ एक्सपिरियन्स विथ द मॉर्गन स्टॅनले म्युच्युअल फंड अँड बिफोर दॅट HSBC. आय थिंक मोर दॅन 15 इयर्स दे आर हँडलिंग द सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन चॅनल्स इन द कन्सर्न एम्सेस. सो आय प्लीज वेलकम JP सर टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. थँक्यू योगेश. JP सर टाइम यहाँ पे 35 मिनट्स. मैं बाकी किसी को नहीं बोलूंगा लेकिन आपको बोलना जरूरी है क्योंकि हम टाइम के बहुत पक्के हैं. थैंक यू. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. मैं कोशिश करूंगा समय के अंदर अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर दूं. रन तो हर साल हम पीफा के यहाँ आते हैं और आप सोच नहीं पाओगे कि अगले साल के लिए हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल क्या प्रेजेंटेशन करना है. तो ये प्रेजेंटेशन के थॉट्स ये नहीं कि एक हफ्ते 10 दिन पहले हमने सोचे तो इस और 4-6 महीने पहले इस प्रेजेंटेशन के मेरे थॉट्स आ गए थे कि ये प्रेजेंटेशन जो मैं बनाऊंगा फर्स्ट लॉन्च यहाँ होगा उसके बाद हम हिंदुस्तान में कहीं और जाके करेंगे. तो आज का जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि जब ये अंग्रेजी शब्द आते हैं सामने तो कॉग्निटिव बायस अवेयरनेस इन्वेस्टिंग तो जागरूकता लाने की बात है लेकिन जैसे ये शब्द आते हैं हमारा दिमाग बोलता है क्या बोलने जा रहे हैं. इतनी तो अंग्रेजी हमने सीखी नहीं है उसके अंदर. बट इसको मैं सरल करने की कोशिश करूँगा मगर आज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसके अंदर मैं रिसर्च आपको पेश करूँगा जिसके और इसको पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को. परफॉर्मेंस रिटर्न्स बनाना निवेश करना डेट इक्विटी एसेट एलोकेशन ये सब बात करते हैं लेकिन चैलेंज कहाँ आ जाता है कि हमको कई बार समझ आता है कि इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत जनों के पास सेम है तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा पैसा बना जाते हैं हमसे. तो वहाँ पर ये टॉपिक हमने चूज किया है जिसको कि हम कहते हैं जागरूकता निवेश के अंदर कॉग्निटिव बायस. अब कॉग्निटिव बायस जैसे वर्ड आता है इसको थोड़ा ब्रेक कर दूं मैं. कॉग्निटिव जो वर्ड है कॉग्निशन वर्ड से आता है जिसका मतलब है आपका मेंटल एक्शन आपका प्रोसेस जो आपको नॉलेज एक्वायर करने में उसको समझने में उसके थॉट्स लाने में आपका आपके आपका सहायता करता है विच बेसिकली मीन्स हमारी जो भी उम्र हो हमारे पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में हमने अपने थॉट्स फिक्स कर लिए. उसी तरह निवेश के अंदर भी इन्वेस्टिंग के आपने कुछ थॉट्स फिक्स कर लिए और कॉग्निटिव बायस बायस मतलब आपकी इंक्लिनेशन आपका प्रेजुडिस कि जो आपको कुछ रैशनैलिटी से दूर लेकर जाता है. हमें पता है कि ये सही है लेकिन कोई समय के अंदर हम कोई इरेशनल डिसीजन लेते हैं और ये सारी प्रेजेंटेशन अब कुछ आधे घंटे के लिए मैं इसी के ऊपर बोलूंगा कुछ उदाहरण लेके कुछ मार्केट को लेके और कुछ अपने ऊपर लेके कि ये इसके अंदर हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो
इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दी है, राइट? सो इट इज इन्वेस्टर बिहेवियर विच डिविएट्स फ्रॉम लॉजिक, आपके तर्क से आपको दूर लेके जाता है, आपके एक रीजनिंग से जो आपने सीखी हुई है उसे दूर लेके जाता है, वो ऐसी क्या चीज है? और जो हम बात करेंगे दिस इज सेल्फ लर्निंग, क्योंकि जो मैं बात करूंगा आपसे सामने रखूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि ये सेल्फ लर्निंग हो आपके लिए, क्योंकि हर आदमी के इंसान का सोचने का ढंग अलग है। इन्वेस्टर मेरे हिसाब से दो तरीके के, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, दूसरा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। सो नेचुरली इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं थर्ड एंगल लेके आ रहा हूं, अवेयर इन्वेस्टर। और अवेयर इन्वेस्टर जो है वो दोनों के अंदर आते हैं, मैं दोनों को अवेयर करना चाह रहा हूं। मेरी कोशिश तीसरा इन्वेस्टर वर्ग खड़ा करने का नहीं है, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारे हैबिट्स, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो पुराना तजुर्बा है वो हमको बनाता है। मेरी कोशिश यहाँ पे एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों इन्वेस्टर को अवेयर इन्वेस्टर बनाने के लिए है, अवेयरनेस लाने की है इस यहाँ पे। ये तो फैक्ट है, मैं कुछ आपके सामने सरल फैक्ट्स रियलिटीज आपके सामने पुट करूंगा। और ये फैक्ट है कि मार्केट्स अप डाउन होती हैं, उछाल चढ़ाव रहता मार्केट के अंदर, मार्केट्स में करेक्शन होते हैं, वॉलिटिलिटी होती है उसके अंदर। बट फैक्ट क्या है, पिछले 40 सालों में जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1979 से, 100 का सेंसेक्स 41-42 हज़ार पे है, ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जिसने कि 400 गुना 40 सालों में पिछले दिया है। ये जानते हुए हम इरेशनलिटी कुछ गलतियां करते हैं, हमारे हम जब भी निवेश करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मन में ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट लाइन जाते हैं, राइट? और वो जर्नी हमको कंप्लीट करनी है, हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स भिन्न तरीके के हो सकते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव मेरे मन में आता है वो है मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी रिटायरमेंट के लिए, मेरे को पैसा जमा करना है अपने बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए, उनकी शादी, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस खड़ा करना है, कि मेरे को फॉरेन ट्रिप जाना है, कोई वैकेशन पर जाना है, भिन्न भिन्न कोई गाड़ी खरीदनी है। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत क्लियर होते हैं माइंड में, हमारे माइंड में कि मेरे को जो साइकिल आप देख रहे हो चलाते हैं, ये हम निवेशक ही हैं। और ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमको कहां पहुंचना है, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में। हम जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम कहते हैं कि मेरे को 1 करोड़ रुपया खड़ा करना है अगले 20 सालों में, और उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं कितने की SIP, इतनी की हम लमसम करेंगे, हम साल का इतना निवेश करेंगे, इक्विटी डेट एलोकेशन करेंगे, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण भिन्न हो सकते हैं। और कुछ उतार चढ़ाव, मनोज भाई बोल रहे थे अब नया नाम आ गया कोरोना वायरस, चाइना शट, चाइना डाउन, वर्ल्ड ट्रेड के अफेक्टेड है, तो वो मार्केट्स को भी इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन इसको वी हैव टू गो थ्रू दिस, वी हैव टू बी अवेयर कि ये रियलिटी तो हमको अचीव करना अपने गोल, लेकिन रियलिटी में आपको चैलेंजेस आएंगी ही आएंगी, मैं अवगत करा रहा हूं। ये एक सरल रास्ता नहीं है, जिंदगी का रास्ता और निवेश का रास्ता दोनों एक तरीके के हैं। और यहां बहुत अच्छा कोट है जो पीटर लिंच, बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, जो आज वर्ल्ड का जो सिंगल लार्जेस्ट फंड है मैगलिन फंड, फिडेलिटी का जो मैनेज करते थे, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। उन्होंने ये कहा कि निवेशकों ने ज्यादा पैसा गवाया है करेक्शन का इंतजार करते हुए, ना कि करेक्शन के अंदर, कि जब करेक्शन होगा, बाजार नीचे आएगा, एकदम पॉइंट आएगा, वो मैं तब इन्वेस्ट करूंगा। और ये क्यों होता है, ये सब चीज हमारी कॉग्निटिव बायस, यानी कि मन का जो छलावा है, इल्यूशन जो आते हैं मन में, हमारी इरेशनलिटी पैदा करती है, जो हमने आपको दिखाया है। कभी हमारा माइंड बोलेगा थम्स अप देगा मार्केट को, कभी बोलेगा नहीं थम्स डाउन, हमको ठीक नहीं है, मार्केट ठीक नहीं लग रही है। ये माइंड कंडीशनिंग से आते हैं, जो इरेशनलिटी, जो हम बायस की बात कर रहे हैं, ये उस तरह वहां से आते हैं। ये चार्ट मैंने आपको फैक्ट के हिसाब से पुट कर रहा हूं, बहुत सिंपल चार्ट है, हम कई बार अपने मार्केट के एनालिसिस में डालते हैं, और इसके बाद इसके सिंपल आंकड़े भी दिखाऊंगा। ये ग्राफ है, इसके अंदर मैंने सिंपली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स को हमने जो इंडेक्स को डाल दिया है, पिछले 15 साल का ये चार्ट है, क्योंकि कुछ मार्केट कैप के इंडेक्स उसके पहले नहीं थे, तो कंपैरिजन उसी हिसाब से है।
और इसके अंदर आप देखोगे भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न चले स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन चली है, कुछ समय लार्ज कैप चला, कुछ मिड कैप और कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, स्मॉल कैप लास्ट रैली में चले, लेकिन जब करेक्शन भी हुए बाजार में तो लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया, उन्होंने आउट परफॉर्म किया मिड कैप स्मॉल कैप को। लेकिन इन द एंड ये तो मार्केट रहा है, इन द एंड अगर आप नेट रिजल्ट देखोगे तो पिछले 14 सालों में निफ्टी 100 जो हम लार्ज कैप पकड़ लेते हैं उन्होंने 500% रिटर्न दिया, निफ्टी मिड कैप कुछ 600 और स्मॉल कैप 425, ये 14 सालों के आंकड़े हैं। और मैंने हमने शॉर्ट टर्म भी डाल दिए, शॉर्ट टर्म मतलब, और इसके बारे में बाद में फिर बात करूंगा कि पिछले 3 साल डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो मार्केट में मतलब ऊपर बढ़ाव आया उसके बाद करेक्शन भी हुआ तो उसका नेट रिजल्ट देखिए, शुरू बाद में हमको लगेगा कि मिड स्मॉल कैप बढ़े लेकिन जब करेक्शन आया तो लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया। तो हर कैप का आता है समय, हमको कैसे इसको संभालना है, क्या इससे हम बायस हो जाते हैं, हमको कोई ऐसी इंपैक्ट करती है चीजें, तो हम उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और ये एक्चुअली अगर किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी है ये हमने वहां से उठाया है जहाँ की हम ये कहते हैं कि चलो हमने बात की कि बाजार में उछाल चढ़ाव होता है, मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है, लेकिन अंत में मार्केट में एक रिटर्न्स दिया है। अगर आप पिछले 20 सालों 25 सालों का रिटर्न देखेंगे तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने करीबन 15-16%, निफ्टी ने 15-16% रिटर्न इंक्लूडिंग डिविडेंड रिटर्न्स दी है करीबन कंपाउंडेड। ये बहुत कोई भी एसेट क्लास में कंपेयर करेंगे हाई रिटर्न्स है। ये जानते हुए तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि हाँ हमारे पास गोल्स हमको बनाने हैं, उस गोल्स के हमको रस्ते हमको उसको कवर करने हैं, लेकिन हमारे लाइफ में जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चॉइसेस क्या है। चॉइस ऐसा है कि अगले कुछ स्लाइड्स मैं आपको चॉइस दूंगा और ये जो हमने लिखा हुआ है रेड पिल ब्लू पिल उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। रेड पिल आपके लिए ये वो कड़वा घूट है, ये कड़वी दवाई है जो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, जो कोशिश करेगा कि आपको थिंकिंग जो रैशनल थिंकिंग है कई बार इरेशनल हो जाती है उसके पीछे क्या रिसर्च है, क्यों होती है, हम कुछ उसके बातें करेंगे मार्केट उदाहरण लेके। और अगर आप ब्लू पिल लेना चाहते हो तो वो मीठी गोली है लेकिन आपको इग्नोरेंस में रखेगी, बाद में फिर आपसे गलती कराएगी। ये चॉइस हमारे ऊपर है एज निवेशक, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, एज मैन्युफैक्चरर्स, हम हर तरह हमारे सबके ऊपर है चॉइस है कि हमको कौन सी गोली खानी है, मीठी वाली जो आपको वही इस गोली की जो आप चाहते हो सुनना, या वो कड़वी गोली जो शायद आपका निवेश के जो आप गलतियां करोगे, जो बीमारी है निवेश के अंदर हमारी बायस होते हैं, हमारी पक्षपात हो जाता है, उस पक्षपात को दूर करने में हमारी सहायता करे। तो कॉग्निटिव बायस, हम वापस इसका समरी एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो ये वो पूर्वग्रह है, ये वो पक्षपात है हमारे मन में जो पुराने अनुभव के ऊपर निर्भय आपके प्रभावित करता है। योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस टेंड टू इंपैक्ट योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और उससे इरेशनलिटी घुस लेते आते हैं। हमको पता है कि मार्केट रिटर्न्स ऐसी होती है, हमको पता है कि मार्केट में करेक्शंस होते हैं, लेकिन उसके डिस्पाइट हम नॉर्म्स ब्रेक करते हैं, हम अपनी जजमेंट के बाहर जाते हैं। और बेंजामिन ग्राहम बहुत बड़े इन्वेस्टर गुरु है, एक्चुअली वॉरेन बफेट के गुरु हैं, उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात बोली, उन्होंने कहा कि निवेश के अंदर निवेशकों के लिए सबसे बड़ा उसका दुश्मन वो खुद है। सो द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम इवन इज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। और वो हमको जानना जरूरी है कि क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अच्छे समय हम खुश हो जाते हैं और जब मार्केट के करेक्शंस आते हैं हम हताश हो जाते हैं, वी आर डिसअपॉइंटेड। तो क्या ये हम बात करें कुछ, ये बायस जो हम पक्षपात की बात कर रहे हैं उससे कुछ जान सकते हैं क्या? तो मैं आज सिर्फ 4 पक्षपात 4 कॉग्निटिव बायस की बात करूंगा। अगर आप रिसर्च करोगे तो ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत सारे बायसेस हैं, बहुत सारे, लेकिन निवेश के अंदर जब मैं प्रमुख 4 पक्षपात पूर्वग्रह के बारे सोच रहा था तो ये 4 पक्षपात मेरे दिमाग में आए, ये प्राइम है, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, ये जागरूकता लानी बहुत जरूरी है और यही है अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग। तो पहला वाला कौन सा, कंफर्मेशन बायस या जिसे हम पुष्टिकरण पक्षपात भी कहते हैं, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास पक्षपात, तीसरा हाइंडसाइट या पक्ष दृष्टि, हाइंडसाइट बायस, रिसेंसी बायस, और चौथा
एंकर बायस, तो उसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं कि एंकर के अंदर इतना ही होगा. तो मैं इसको आपको तो डिटेल में इसका बात करूंगा सबके ऊपर. हाइंडसाइड, ऐसा हुआ था ऐसा ही होगा. तो अगले कुछ स्लाइड्स के अंदर मैं आपको इसके ऊपर कुछ समरी, कुछ उदाहरण देकर कुछ समझाने की कोशिश करूंगा. तो पहला पक्षपात, पहला बायस हम कॉग्निटिव बायस पकड़ते हैं, जो कि है कन्फर्मेशन या बैंड वैगन बायस भी इसे कहा जाता है. तो बैंड वैगन क्यों कहा जाता है? पुराने समय में, देखिए अब तो व्हाट्सएप आ गया, टेलीविजन आ गए हैं, रेडियोज आ गए, पुराने जमाने में ये नहीं होते थे. तो ये बैंड वैगन जो शब्द है ये यूएस से, अमेरिका से आया है, जबकि वहां पोलिंग होती थी, वोट्स होते थे, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो वैगन्स लेके जाते थे. उसके अंदर बैंड वाले म्यूजिशियन होते थे, वो म्यूजिशियन बजाएंगे, लोग सुनने आएंगे, और एक आते हैं दोस्त, दूसरे आते हैं, तो सारे एक दूसरे को कन्फर्म करते हुए बैंड वैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं एक साथ, कि ये जो जा रहा है मैं भी वहां जाऊंगा. लोगों को इकट्ठा और कन्फर्मेशन करने का एक साधन था ये उस समय. ये जैसे ये क्या, तो ये बायस है, लेकिन हमको इन्वेस्टिंग निवेश में इसका क्या मतलब है? मैं क्यों आपके सामने दर्शा रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट बात. तो मैं आपको अपनी एक रोजमर्रा जिंदगी की बात बताता हूं कि हम कंफर्मेशन कैसे करते हैं. आपने सोचा कि मेरे को कुछ स्टॉक खरीदना है, या इस समझ लीजिए महिंद्रा बढ़त योजना के अंदर आपको निवेश करना है. अगर सुबह आप 9:30 बजे प्री ओपनिंग मार्केट सुने और सामने में एक रिसर्च एनालिस्ट आके बोले वही स्टॉक का नाम ले जो आपने सोचा लेना है, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, नहीं मैं जो सोच रहा हूं ना वो सही सोच रहा हूं, क्योंकि ये भी वही बोल रहा है. आपने किस महिंद्रा म्यूचुअल फंड बड़ा योजना के बारे सोचा और मनोज भाई ने आपसे पूछ बोला आके वहां आपको महिंद्रा बड़ा योजना में करना है, तो आपको कंफर्म हो गया, आपके एश्योरिटी हो जाती है कि मैं ठीक कर रहा हूं. मेरी कोशिश यहां ये बोलने की नहीं है कि आप ठीक कर रहे हो सही कर रहे हो, मेरी सिर्फ जागरूकता लाने की है, क्योंकि इस सेल्फ लर्निंग प्रोसेस इंडिविजुअली आपको अपने ऊपर खुद सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी. ये चार बायस से जानते हुए कि निवेश में मेरे को ये मेरे को सहायता कर सकता है कि नहीं. तो जैसे राइट, तो एक तो नॉर्मल है, आई लाइक टू बिलीव हु थिंक्स लाइक मी, इट कंफर्म्स दैट आई एम राइट. लेकिन मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं कि इस आई शुड आई लिसन टू ऑल्टरनेट थ्योरीज ऑल्सो, क्या मैं हरदम सही होऊंगा कंफर्म होकर, क्या मैं सबके साथ चलूं तो इसलिए सही हूं कि कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है. तो उदाहरण स्वरूप हम इकोनॉमी की बात करते हैं और मैं आपसे कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसको दो तीन स्लाइड्स. पिछले साल जब डेट मार्केट प्रॉब्लम्स हुई, DHFL ILFS की इश्यूज हुई, उसके बाद हमारी GDP हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो नंबर थे वो गिरने लगे, जो 6-6.5 पे थे वो करीबन 5-5.5 के आ गए और अंत में 4.5 के आसपास. उस समय हमारी धारणा बन गई थी कि GDP डाउन है, और डाउन है जो GDP डाउन ही होगी, और सामने से अगर आके बोले कि गवर्नमेंट खराब कर रहा है, GDP उठ नहीं सकता, अर्थव्यवस्था गई, अब तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, तो कंफर्म होते जा रहा था, और ऊपर से मार्केट डाउन. अगर GDP डाउन है, मार्केट डाउन है, वो भी रिलेटेड है, और सपक्षपात यह बनते जा रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब नेगेटिव है. तो इसकी उल्टी धारणा क्या हो सकती है? शुड बी क्वेश्चन, ऑल्टरनेट कुछ थ्योरी है क्या, हम क्या कर सकते हैं इसके बाहर निकलने के लिए? तो GDP जैसे मैंने बात की, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं. ये सिंपल एकदम, वर्किंग पॉपुलेशन, हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, मीडियन एज 28, यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या ये हम प्रश्न कर सकते हैं, क्या ये छोटे समय के लिए करेक्शन है या लंबे समय के लिए? क्या मार्केट नीचे अगर आई है GDP के लिए, तो GDP का नीचे है तो नीचे रहेगी, क्या पहले ऐसे GDP नीचे गई और वापस बढ़ी है क्या? तो हमको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारी जो इरेशनल थिंकिंग है जजमेंट को इश्यू ना करे. ये हमने एक चार्ट बना लिया है जिसके अंदर की आज प्रमुख विषय क्या बन रहा है, कि हम $3 trillion की इकोनॉमी है और हमको $5 trillion की तरफ जाना है. तो $3 trillion हम सबको अपने आप की सराहना करनी चाहिए, आप लोग सब अमीर, मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एज सिटीजन्स वी हैव कम इन द लास्ट 20 ईयर्स टू बी इन द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड.
20 साल पहले हमारा कहीं नामो निशान नहीं था अर्थव्यवस्था के अंदर दुनिया की, आज हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ उदाहरण दिया, यूएस कैसे इंक्रीज हुआ, और पांच मैं 10-20 तक जा ही नहीं रहा हूं, यूएस आज 20-25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो उन्होंने भी समय लिया। क्या यूएस में करेक्शन नहीं हुए होंगे? क्या वो एक तरफा शुरू किया, एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच सीधा चला गया? सेकेंड, चाइना जो अभी आई है, चाइना की तो ग्रोथ हमारे साथ ही हुई है, जापान थर्ड लार्जेस्ट है, अगर आप कभी जापान की तो पूरी केस स्टडी कभी हो सके तो मैं आपको अलग से बात करेंगे। एंड दिस इज वेयर इंडिया इज, हम एक से दो, दो से तीन आ गए, क्या हमारा ये हम और ग्रोथ नहीं होगी? और ये मैं क्यों जीडीपी स्लाइड दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट, जीडीपी, ये सब रिलेटेड हैं। अर्थव्यवस्था अच्छी, हमारे मार्केट्स अच्छे करेंगे। मैं थोड़ा सरलता से बोल रहा हूँ, आई एम लिकिंग आउट कॉम्प्लेक्सिटीज। सो कैन यू गेस, हम सोच सकते हैं कि पांच की तरफ जाएगा कि नहीं? यही जीडीपी मैंने आपको वापस दिखा रहा हूँ, इंडिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की जीडीपी है, हम 3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है। 2007 में हमने 1 ट्रिलियन टच किया था, आज 12 सालों में 1 से 3 गुना हो गए हम। जब हमारे, मैं 1991 को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दिवस मानता हूं, साल मानता हूं, क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो बजट दिया, हमको आर्थिक स्वतंत्रता तब मिली, हम ग्लोबलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, वी वेंट इनटू ओपन इकोनॉमी एंड सो ऑन। तो वहां से हम ग्रो करके पांचवी लार्जेस्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हुए क्या? देखिए मजे की बात, देखिए आधी ट्रिलियन से, आधी ट्रिलियन 2003 में थे, 1 ट्रिलियन 4 साल में गए, 1 से 2 हमको 8-10 साल लगे। उस टाइम लेमन क्राइसिस हुआ, मार्केट ऊपर नीचे हुई, अपनी अर्थव्यवस्था स्लो हुई, लेकिन अल्टीमेटली 2 की तरफ तो गए, लेकिन लेट गए। और 2 से 3 हम पिछले 3-4 सालों में गए। अब 3 से 5 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 ट्रिलियन और, तो हो सकता है स्लो एनवायरमेंट आ जाए, 5 साल की बात हो रही है, 6 हो, राइट? जो हमने समय, पहली 2 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 2015-16 के आसपास हम 2 ट्रिलियन बने, 1947 हमारी इंडिपेंडेंस होती है, करीबन 70 सालों में हमने जितनी अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की 2 ट्रिलियन की, उतनी आप अगले 5-6 सालों में खड़े करने वाले हैं। अगर ये आती है, इस पे डाउट है तो मार्केट्स पे डाउट है। तो कंफर्मेशन या बैंड वैगन ये कहता है मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन रहेगी, वो ये कहता है, लेकिन हमको उसके बाहर निकलना है, हमको प्रश्न करना है। मैं नहीं कह रहा कौन सही है, वो हमको उसका हमको निर्णय निकालना पड़ेगा। हम ये तो हम सब जानते हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल से जहां से वो है वो उतना नहीं जानते जितना हिंदुस्तानी इनको जानते हैं, राइट? तो ये हरदम कहते हैं कि आप तब डरो जब बाकी लालची होते हैं, और तब लालची बनो जब बाकी डरते हैं। और ये निवेश का है, ये निवेश के लिए कह रहे हैं। और इन्होंने उस बायस को ओवरकम किया है। सेकंड के ऊपर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ही मजेदार बात है यह, अति आत्मविश्वास पूर्वग्रह या पक्षपात। इसके अंदर जनरली बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को पता क्या करना है, मेरे को सर मार्केट समझ है, कुछ चीजें पढ़ के हमको सब कुछ पता चल जाता है, I do not need any advice. I know what to do. Right. So, हाँ, हो सकता है आप सही हो, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका सोचना है, आई बिलीव स्ट्रांगली दैट आई एम बेटर देन अदर्स। मैं पूछ रहा हूं, यू क्वेश्चन योर सेल्फ, आर यू राइट? डू यू नीड एनी एडवाइस? तो मैं आपको एक छोटा सा मजेदार एक रिसर्च की बात करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस बायस में। डनिंग क्रोगर ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, और इसको बताने के पहले और ओवर कॉन्फिडेंस समझाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी, कहानी सुनाता हूँ। और डनिंग क्रोगर ने क्यों रिसर्च की थी? डनिंग क्रोगर दो रिसर्च से उनको, उन्होंने कहानी पढ़ी, और कहानी किसके बारे थी? कहानी एक जेंटलमैन जिनका नाम मैकआर्थर व्हीलर, वो बैंक रॉबर थे, बैंक की चोरी करते थे, बैंक्स में जाके लूटते थे उनको, और कैसे लूटते थे इस पे ध्यान दीजिए, वो लूटते थे अपने चेहरे के ऊपर नींबू पानी लगाकर, नींबू, ही यूज्ड टू पुट लेमन ऑन हिज फेस एंड ट्रगोन ट्राई एंड रॉब। तो उनको जब अरेस्ट कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको सीसीटीवी में दिखाया गया, उनके फोटो दिखाई गई कि ये तो आप हो, आप जब उन्हों, और डिनाई कर रहे थे कि मैं नहीं हूं, मैंने नहीं चुराया, मैं रॉबर नहीं हूं। तो उनको दिखाया गया कि आपका चेहरा है, वो मानने को रेडी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि नींबू पानी में ऐसा एक क्वालिटी है जो कि इनविजिबल इंक में होती है, अगर आप चेहरे में लगा लोगे, उसे सोचा तो मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा,
और सच्ची बात बता रहा हूं, कुछ उठला नहीं, ये सच्ची बात बता रहा हूं। इन दोनों ने, डनिंग क्रूगर ने कहा कि कोई तो बात है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? इट दिस ओवर कॉन्फिडेंस गॉन बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ रैशनैलिटी। इन्होंने रिसर्च की, बहुत लंबी रिसर्च की, ये करीबन 20 साल पुरानी रिसर्च है, उसके अंदर 1999 रिसर्च स्टार्ट की, विच दे सेड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर जा रहा हूं, सेम निवेशकों के ऊपर भी आएगा, कि दे टेंड टू थिंक अबाउट देयर कॉन्फिडेंस इज मच मच हायर देन देयर ओन एबिलिटी। वो अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से, अपना कॉन्फिडेंस, अपना अपने आप को उससे ज्यादा ऊपर समझते हैं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं, आपके जरूर दिमाग में कई बार अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से कई लोगों की छवि आ गई होगी कि ये भी ये सोचता है, ये ऐसा ही है। मैं बोल रहा हूं, पहले अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी ऐसे हैं, हो सकता नहीं हो, मैं सच्चाई या ऊपर नहीं जा रहा हूं, ये सच है या नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्शियस अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रिसर्च जो कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस और डनिंग क्रूगर का जो पूरी रिसर्च है उसके ऊपर आती है, उसके अंदर आती है, तो इट इज, इट सेज दैट इनकॉम्पिटेंट और लो एबिलिटी बट हाई कॉन्फिडेंस। आपका अपने ऊपर अति विश्वास है, अति आत्मविश्वास है, लेकिन स्किल सेट्स, आपकी नॉलेज, सो क्या हो सकता है अगर हम इसके परे जाएं, समय के साथ नॉलेज बढ़ा के पढ़कर, वी हैव टू चैलेंज एंड इट शुडंट बी अस लर्निंग, सेल्फ लर्निंग ओनली, इट हैज टू गो बियॉन्ड। तो समय के साथ हम कर सकते हैं पूर्ति। और ये इनका जो ग्राफ है वो कहता है अल्टीमेटली आपकी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा पहले से, जो अति है अति हट जाएगा, आप कॉन्फिडेंस तो हो जाओगे लेकिन आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। और मैं आपको कन्फ्यूशियस, ग्रेट चाइनीज जो फिलोसोफर थे, उनके एक स्टेटमेंट देता हूं, रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। तो इसके साथ हम तीसरे पक्षपात पे चलते हैं, जो कि है हाइंडसाइट रिसेंसी या रिसेंसी बायस, दोनों का मतलब सेम है। ये क्या है? ये इन्वॉल्व, दिस इन्वॉल्व अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट वंस एबिलिटी टू हैव प्रेडिक्टेड एन आउटकम बट बिफोर द इवेंट टेक्स प्लेस। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, समझ लीजिए आप हाथ में कॉइन, मेरे हाथ में एक कॉइन है और मैं आपको कहूं हेड्स या टेल्स, उसके ऊपर आप कॉल लेना है, बहुत सिंपल है, 50-50 है, हेड आएगा टेल आएगा। मेरे पास अमिताभ बच्चन की शेवले वाला नहीं है मेरे पास कॉइन, मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो जब भी हम मैं कॉइन फ्लिप करूं और आप एक ना, आप बोलो हेड्स और अगर टेल्स आया तो आपके मन में आएगा अरे मैं टेल्स ही सोच रहा था, हेड्स बोल दिया। और लगातार अगर 3 बार हेड्स आ गए आप सोचोगे कि टेल बोलना है उसके अंदर। और इस ये क्यों? क्योंकि इमीडिएट जो हुआ है हम उसके बारे सोचते हैं एंड आप बोलोगे कॉइन्स की बातें क्यों हो रही हैं एंड सो ऑन। मैं आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे लेके जाता हूं। आज तो व्हाट्सएप है हमारे हाथ में, मोबाइल ऐप से हमको सेकंड मिनट मिनट हर चीज आप चेक कर सकते हो। जब हम, मैं 90s की बात कर रहा हूं, जब मैं कॉलेज में था, जब पढ़ाई कर रहे थे, उस समय इकोनॉमिक टाइम्स सुबह आता था। तो जब इकोनॉमिक टाइम्स सुबह खोलना और जो स्टॉक्स ऊपर बढ़ते थे, हमको हरदम लगता था कल मैंने सोचा था या 2 दिन पहले सोचा था खरीद लेता, जो बढ़ गए हैं ना, हाइंडसाइड अब तो समझ आ गई, उसी टाइम मन आपका छलावा करता था यही मैंने खरीदना था, और जो गिर जाते हैं इससे तो मेरे को निकलना था, सोच लिया था, निकला क्यों नहीं, मेरे को पता था ऐसा ही होना है इसके अंदर। सो इसके अंदर मैं उदाहरण इसके बाद और कुछ दूंगा। पहले हम 2 एंकर बायस भी पकड़ लेते हैं। एंकर बायस, इसको लंगर पक्षपात भी कहते हैं अब हिंदी में, ये एक आपके मन में एंकर या शिप के लिए एंकर होता है जो उसको फिक्स कर देता है, आपको एक एंकर, आपकी धारणा कि वो आपकी सोच को एक एंकर दे देता है कि ऐसा हुआ है ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैंने हाइंडसाइट और एंकर दोनों एक साथ रखे हैं, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है कई बार। तो मैं उदाहरण के साथ आपको इसको जरूर समझाऊंगा। और मैं ऊपर जो हमने लिखा है, सेंसेस विल नेवर गो बियॉन्ड दिस रेंज, कितनी बार हमने सोचा है और वो चल रहा है अभी, और इसको मैं आपको पूरे इसके डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मार्केट के साथ रिलेटेड है बात। या और एंकर बायस आया कहां से? आपको पता है एंकर बायस, जो एंकर बायस है ये मार्केटिंग सेल्स वाले बहुत यूज करते हैं, ये उनका टॉप हथियार है, टूल है। समझ लीजिए कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ शर्ट खरीदनी है और आपको देखा कि वो 3,000 रुपए का MRP लगा हुआ है और उसके बाद बोले कि डिस्काउंट 1500 में मिल रहा है, तो आप बोलोगे 3,000 की चीजें 1500 में मिल रहा है, एंकर हो जाता है, सस्ते ही मिल रहे हैं ले लो।
और यही हथियार मार्केटिंग में बहुत प्रयोग होता है. आप इसको इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां भी होता है. उदाहरण के लिए मैं आगे लेके जाऊंगा, लेकिन एक सिंपल उदाहरण डायरेक्ट देता हूं. कोई स्टॉक, और ये पिछले साल तो बहुत बार हुआ है, कोई स्टॉक 50% नीचे है, और पिछले साल तो एक एक दिन में 50% नीचे हुए हैं. आपको पता, मैं कुछ कुछ स्टॉक से किसकी बात कर रहा हूँ. 700 रुपये का स्टॉक 350 हो गया एक दिन में. उसी समय हमें बोलता है सस्ता हो गया माल, ले लो. हमने क्या सोचा 700, हम स्टॉक लेते हैं, शेयर प्राइस खरीदते हैं, या हम बिजनेस खरीदते हैं? आप निवेश किस में कर रहे हैं? आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उसके बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, या स्टॉक के प्राइस में निवेश कर रहे हैं? स्टॉक प्राइस तो वो कंपनी की वर्थ आपको दिखा रहा है, वो वैल्यू दिखा रहा है. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वी नो टू मच अबाउट प्राइस एंड नथिंग अबाउट वैल्यू. वो शर्ट खरीदनी है, जरूरत है, लेकिन नहीं, आधे में मिल रहे तो ले लो. तो सेम चीज स्टॉक में भी होता है. स्टॉक डाउन हो तो अच्छा है, और पिछले साल तो ये बहुत जगह हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है. डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट रिलेटेड, उसके अंदर वो स्टॉक जिसकी बात कर रहा हूँ 700 रुपए का था, आधा 350 हुआ. वो शायद कोई मेरी मदद करे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 10-12 रुपए पे तो आ ही गया अभी उसके अंदर. तो इतना सस्ता हो गया, ले लो, इससे और हो नहीं सकता क्या? तो इसको थोड़ी सी हम समझते हैं इस बात को, कुछ उदाहरण के साथ, क्योंकि मैं मार्केट से रिलेट करूंगा इसको. 1992-91 अपने लिबरलाइजेशन होती है. 1992 से 2003 तक मार्केट क्या थी हिंदुस्तान की? मार्केट 8-10 महीने एक साल चलती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, कोई फैक्टर्स आ जाते थे, चैलेंज हो जाता था, करेक्शन हो जाता था. नेचुरली एक धारणा क्या बन गई, यहाँ पे आपका एंकर क्या बना मार्केट में? वापस बोल रहा हूँ, 8-10 महीने मार्केट बढ़ती गिर जाती, 8-10 महीने बढ़ती गिर जाती. 2000 में आईटी बूम आया, तो इस समय धारणा क्या होगी, आप सोचने की कोशिश करो. धारणा यह है, आपका एंकर क्या हो गया, इंडियन मार्केट तो स्पेकुलेशन है, ये सटोरिया बाजार है, इसमें निवेश करो, पैसा बनाओ, निकल जाओ. इन्वेस्टिंग कोई निवेश लॉन्ग टर्म कोई सोचता ही नहीं था, वो एंकर बन गया आपके मन में. और 2000 थी जो मैंने आपको दिखाया है, यहां पर नंबर जो दिखा रहा हूं, पोस्ट लिबरलाइजेशन पहले वाला नंबर, जो मैं पहली वाली राइड बता रहा हूं, जब पहली बार मार्केट सन 2000-2001 में 6000 सेंसेक्स टच किया, 6000. उसके पहले उसका हाई 4000 था हर्षद मेहता का टाइम, 2000 में 6000 गया. फिर वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री, देश में डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और दूसरी बार वापस मार्केट 6000 गया. तो अभी आप मेरे साथ जीने की कोशिश करो, मार्केट 2500 पे है 2001 में, पूरी दुनिया में डिप्रेशन छाया हुआ है. क्यों? क्योंकि WTC हो गया है, वर्ल्ड मार्केट डाउन है, वर्ल्ड मार्केट्स नीचे हैं, और अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने लगी और मार्केट बढ़ रही है, इक्विटी मार्केट बढ़ रही है. हम 2500 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बढ़ते हुए 4-4.5 गए. मार्केट में एंकर क्या है? मार्केट में एंकर ये है कि 6000 की तरफ जा रहे हैं, निकल जाओ, निकलने का समय आ गया है. अरे मेरे पड़ोसी ने बोला था, मेरे फादर ने बोला था मत इन्वेस्ट करो, मैंने गलती करती इन्वेस्ट करने की, 3 साल पहले गलती की थी, मार्केट वहां पहुंच रही है, मेरे स्टॉक बढ़ रहे हैं, मैं निकल जाऊं. और जनरली मेरे को ध्यान, मैं इस मार्केट उस समय भी था, 6000 के आसपास लोग निकलने लग गए. अरे साहब मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं आपकी खुद की बात बताता हूं. मैं तो इक्विटी मार्केट में करीबन 1990 से कॉलेज से थे हम लोग, और वही पैशन मेरे को इस तरफ ले आया. तो सन 2000 में के पहले जब मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, 2000 मार्केट गिरी. देखिए मार्केट कभी फोन करके दस्तक नहीं देगी व्हाट्सएप में कि कल मैं गिरूंगा आज निकल जाओ, कभी नहीं होगा. आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, आप ये सोच के चलो पहले. मैंने अपनी वाइफ को बोला, जो इस मार्केट से नहीं है, कि देख अगली बार जब 6000 होगी ना मार्केट, मैं इन्वेस्टेड हूँ, हम और इन्वेस्ट करते हैं, 6000 होगी, ये मैं अपनी खुद की बात सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे को अगर लालच हो गया, तू मेरे को याद करा देना, स्टॉक बेचेंगे निकल जाएंगे. और मार्केट 6000 वापस हुई 2003-04 में हुई, और मेरे पास एंकर था. तो मैंने क्या किया, वो पक्षपात कैसे दूर किया, मैंने बायस कैसे दूर किया, मैं आपको बताता हूँ. मैंने फंड मैनेजर से बात की, मैंने बाकी सेल्स वालों से बात की, उनसे क्वेश्चन किया, 6000 पीक है क्या, मार्केट में क्या हो रहा, अर्निंग्स की क्या हो रही है दशा. और देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कमाल की बात हुई, 6000 से मार्केट वही पॉइंट से, मैं अगला ग्राफ वही को कंटिन्यू करूँ, 6000 से बढ़ते हुए मार्केट गई ऊपर 12000 तक. पहला करेक्शन 12000 पे आया, पूरा मार्केट का बेसिक माल 4000 और 7000 में निकल गया था. आप बिलीव नहीं करोगे, 7000 और 8000 में नए निवेशक आने लग गए, उनका समझ आ गया मार्केट तो बढ़ी है, बढ़ती रहेगी. मैं दो बातें बता रहा हूँ, देखिए एंकर 6000 का था, और क्योंकि मार्केट बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, तो मेरा एक हाइंडसाइड, इसलिए मैंने कहा दोनों एक बात कर, हाइंडसाइड बायस आ गया कि मैं अब तो मेरे को पता चल गया मार्केट बढ़ेगी और बढ़ते ही रहेगी. और मार्केट ने पहला करेक्शन 12000 पे दिया,
2006 में जाके, उसके बाद क्या मार्केट करेक्टने की, बिल्कुल की, देखिए नीचे आई, ऊपर गई 21,000 तक। लेमन क्राइसिस जब हुआ, किसी ने सोचा था लेमन क्राइसिस के बाद 55% मार्केट डाउन थी? देन वी क्वेश्चन फंडामेंटल्स है क्या, क्या दुनिया बदल गई, अर्थव्यवस्था गई? उसके अगले साल 55% मार्केट डाउन, 100 का 55 हो गया, 45 हो गया। अगले साल मार्केट पूरी रिवाइव होती है, ऑलमोस्ट 19-20 हज़ार जाती है। लेकिन अगर हम अपनी फिक्स कर देंगे कि मार्केट, हम दो धारणा क्या लेते हैं, हाइंडसाइड में क्या है, मार्केट ऐसे चली ऐसे ही चलेगी, 6,000 एंकर बायस, 6,000 पीक है और पीक नहीं होगा। आज की बात करते हैं, आप आज की बात सोचो, 32,000 हमारा 2-3 साल पहले हुई थी, 36,000 हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमने धारणा कर ली मार्केट ऐसी ही है और नहीं बढ़ेगी। क्या आज बहुत सारे निवेशक नहीं निकल रहे हैं ये सोच के कि अर्थव्यवस्था खराब है और मार्केट नहीं बढ़ेगी? कोई एंकर बायस है? आप सही गलत हो सकते हैं, मैं उसको नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, ये आपको खुद से प्रश्न करना, आपको रैशनैलिटी की तरफ जाना है, आपको अपने को चैलेंज करना है, ये सेल्फ अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। अगर और ये मैं एकदम न्यू, एकदम करंट बात कर रहा हूं, 3 साल डिमोनेटाइजेशन होती है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में समय में दिसंबर खत्म होता है, जनवरी मार्च फरवरी से मार्केट बढ़नी स्टार्ट होती है, फरवरी से। 2017 में इतना इनफ्लो आता है, म्यूचुअल फंड्स को इतना पैसा नहीं मिला, इक्विटी मार्केट इतना पैसा नहीं मिला जितना 2017 और 2018 में मिला। 2017 के एंड में 3 आप लाइन देख रहे हो, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। ऑरेंज मतलब अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, ग्रीन मिड कैप में इन्वेस्ट किया, पर्पल अगर आपने स्मॉल कैप इन्वेस्ट किया। अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए आपके रुपए बनते हैं करीबन 13,000 साल के एंड में, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मिड कैप में किया, 10,000-15,000 बनते हैं और 10,000-16,000 बनते हैं स्मॉल कैप में, जो 60% ऊपर है। अब उस समय, उस साल के एंड में आप बताओ आपका हाइंडसाइड बायस क्या है, आपका रिसेंसी बायस क्या है कि स्मॉल कैप बड़ा है, स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। आपकी कंफर्मेशन भी वही होती है कि सब वही बात कर रहे हैं। देखिए पक्षपात एक नहीं है, बहुत सारे एक साथ चलेंगे और ये हुआ, रिकॉर्ड फ्लोस टू स्मॉल कैप, रिकॉर्ड फ्लोस टू मिड कैप ऑल्सो। मार्केट करेक्शन लेती है आज 3 साल के बाद में, पहले चढ़ाव है फिर उतार है, आज लार्ज कैप वापस ऊपर है मिड कैप और स्मॉल कैप से। लेकिन उस समय हमने क्या किया, हम उस समय रिसेंसी हाइंडसाइड उस समय देख रहे थे, 1 साल जो हुआ है वही होते रहेगा। और आज हम क्या सोच रहे हैं, पिछले 4 महीने पहले जीडीपी डाउन थी, जीडीपी डाउन है, इक्विटी डाउन है, नीचे है, नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं बढ़ेगी। और मैंने आपको 6,000 का सेंसेस का नंबर क्यों दिखाया, क्योंकि वो बात आपके सामने फिर खड़ी है, जो मार्केट वापस ऊपर उठ रही है आपको प्रश्न करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है, कुछ इंडिकेटर था जो आपको आगे लेके जा सकते हैं और रिटर्न बन सकती है, या इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। आप सोच के हमको करना है, हमको पक्षपात निकालना है यहाँ पे, और इसके अंदर दोनों एंकर एंड हाइंडसाइड दोनों पक्षपात है हमारे इसके अंदर। अंत में होता क्या है कि जब भी उतार चढ़ा रहेगा, मार्केट के साइकिल्स रहेंगे, आपके साथ में मल्टीपल पक्षपात रहेंगे, मल्टीपल आपके अंदर बायस रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस बायस आएगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, उसके अंदर आप जब एक बार मार्केट बढ़ गई तो आपको बैंड वैगन, क्योंकि सब बोल रहे हैं खराब है या सब बोल रहे हैं अच्छे हैं, कंफर्मेशन होगी। अगर रिसेंट जो हुआ है, जो भी रिसेंट ट्रेंड रहे हैं, वो आपको हाइंड साइड में रहेगा कि ऐसा हुआ है ऐसा ही होते रहेगा। और हम लोगों ने कितनी मिस्टेक्स की है उसके अंदर, 2000 में आईटी बूम था, हम कंटिन्यूस बोल रहे थे आईटी करो, हमने कभी नहीं क्वेश्चन किया आगे। 2007 में इंफ्रा बूम, 2017 में स्मॉल कैप, और हम उस बैंड वैगन में हम सबके साथ चल पड़ते हैं। और जो और एंकर हम क्या करते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, मार्केट खराब है एंकर, हाइंडसाइड में तो सब सही है। अब जरा से एक मैं आपको इलेक्शंस की बात, जो मैं बात की इलेक्शंस की बात करता हूं, जब 2019 के इलेक्शन हुए उसके 6 महीने पहले कितने लोगों ने कहा था कि ये फ्रैक्चर मैंडेट है, नहीं आएगी सरकार वापस, दूसरी सरकार आवाज हो रही है। लेकिन जैसे ही 300 वोट्स मिल गए, उसको सीट्स मिल गई, अरे मेरे को पता था ये होना ही है। चलिए आप बताइए, आपके बारे में आपको बताइए, 62 हम क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? होने के बाद, हाइंडसाइड के बाद तो सब हम राजे हैं, हमको पता क्या हुआ है। लेकिन निवेश भविष्य काल में किया जाता है, प्रोबेबिलिटीज पे किया जाते हैं, आपके पास कभी क्लैरिटी नहीं आएगी। और फियर एंड ग्रीड आपको ये सब कराएगा, डर या लालच।
और ये जो पक्षपात है हम सबके अंदर आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं, मैं भी निवेशक हूं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की गुट्टी जो हमने बोला रेड पिल, जो घुट जो आपको कड़वी दवा है, जो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगी, जो आपके पक्षपात बाहर निकाल सकती है, वो आपको खुद अंदर आपको लर्निंग जो आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस किया उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा. एंड वो चैलेंज हो सकता है इंडिविजुअली ना हो, यू विल रिक्वायर एडवाइजर, यू विल रिक्वायर, आपको लगता है कि जितने एडवाइजर्स बैठे इनके एडवाइजर्स नहीं है, इनके भी एडवाइजर्स, हम भी इनको एडवाइस करते हैं. अब आप पूछोगे हमारे एडवाइजर्स कौन है, ये तो बात खत्म नहीं होगी फिर कहीं जाके, राइट, इसके अंदर. लेकिन जस्ट टू कंक्लूड, बिहेवियर हमारे डिसीशंस, लेकिन नॉलेज जैसे मैंने कहा पूरी ओवर है. किताबें पढ़ लीजिए, अपने अपने इन्फ्लुएंसेस को ले लीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीशंस को लीजिए, ये तो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है. और लेकिन कई बार क्या होता है हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किस चीज से, अपने बायस, अपने पक्षपातों से, और वो इंपैक्ट करते हैं हमारे डिसीशंस को लेकर. आप क्या कर सकते हो, मैं क्लियर हूं, हम इसको हटा नहीं पाएंगे, हम अपने पक्षपात अपने बायसेस को नहीं हटा पाएंगे, लेकिन रिड्यूस जरूर कर पाएंगे. इसको अपने एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में लेकर आइए, अपनी सोच में लेकर आइए. और आप अगर इसको सोचने लगोगे, इस पक्षपात को, इन बायसेस के बारे में सोचने लगोगे, तो आप गलत डिसीशन, इरेशनल डिसीशन कम लोगे. आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर सिंपल रूल है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, जैसे मैंने आपको दिखाया था. अल्टीमेटली 15% अगर रिटर्न दे रही है तो थोड़ा प्लस माइनस हमको एसेट एलोकेशन करके करना है. अगर गोल्स अचीव होते हैं तो आप री एलोकेट करिए प्रोडक्ट्स, ये बहुत रूल है. और जैसे जहां से मैंने शुरू की बात वहीं बताता हूं. तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज्यादा अच्छा निवेश करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, जबकि नॉलेज दोनों के सेम है. वो आपके पक्षपातों पे उनका ज्यादा अपना कब्जा है, उनका कंट्रोल अपने पक्षपातों पे, कि गलत समय में ऐसे कोई टाइम में जहां की वो सोच के निकलना नहीं निकलने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उसको लगे कि नहीं मैं जजमेंट कॉल ले सकता हूं, इरेशनल कॉल नहीं लेनी है, वो होल्ड कर लेता है. इसीलिए तजुर्बेकार इन्वेस्टर जो है, जो लास्ट लाइन है, मैनी एक्सपीरियंस सीरियस इन्वेस्टर लर्न्ड द सक्सेस ऑफन कम्स फ्रॉम रिनिंग, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड ओवरकमिंग दीज बायसेस एंड दे अवॉइड मेकिंग सेम मिस्टेक्स. दिस इज वॉट हैपन्स. सो मैं अपने ऊपर उदाहरण लेते हुए बताता हूं कि पिछले 2-3 सालों में बहुत हिम्मत जटानी पड़ी. जब मार्केट डाउन थी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, मैं खुद को बोल रहा था 4% हो गई है, 5, हर क्वार्टर 5, 5.5, जैसे मजाक कर रही होती है, हमसे मजे ले रही थी इकोनॉमी, 4.5, 4.5. आज आप प्रश्न है होगा कि आज 4.5 है GDP, क्या 6 की तरफ जाएगी? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया 5.5-6 उसके अंदर. आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट जो भी भाव देती है वो डिस्काउंट कर लेती है न्यूज. क्या बैड न्यूज डिस्काउंटेड है? क्या 4.5 और नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है? क्या बेस बन गया? हमारा अपना ये राय है कि बेस बन गया है, समय लग सकता है, $5 trillion की पूर्ति होगी जो हम कह रहे हैं. हम यहाँ से बड़ी और इकोनॉमी बढ़ेंगे. और थोड़ी देर पहले मेरे 2 छात्र बोल रहे थे कि बहुत आप निवेश करो, सेविंग करो. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सेविंग 1-2 साल के लिए जरूर करिएगा, थोड़ा कंजम्पशन करिएगा ताकि GDP हम बढ़ा पाए. सो अपने पक्षपातों पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है हमको, और वही अल्टीमेटली हमको अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमको सहायता करेगा उसके अंदर. और यह, और मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप अपने सलाहकारों से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि हमारा मन छलावा करता है, वो हमारा मृग तृष्णा है, मन के अंदर है, इल्यूशन मन के अंदर है, और हमको अपनी राय, अपने विचार हरदम सटीक और सही लगेंगे. वो सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है. और मेरे हिसाब से मैं उसके लिए PIFAA को थैंक यू करता हूँ कि आपने इस मौका दिया हमें बात करने के लिए. और मेरी होप है कि थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक को मैं आपको सरलता से प्रोड्यूस कर पाया. और अगर आप एक डिसीशन भी कभी मेरे को बोलो कि सरदार जी आपने कहा था हमने ये लिया और हमको फायदेमंद हुआ, कभी बताइएगा, तो मैं समझूंगा कि ये प्रेजेंटेशन मैंने किसी सफलता तक लेकर जा पाया. थैंक यू. हैप्पी इन्वेस्टिंग. थैंक यू JP सर. मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगा यहाँ पे, लाइफ में सबसे ज्यादा आनंद कौन सी 2 चीजों से मिलता है? तो पहली चीज आती है ग्रेटिट्यूड,
having gratefulness, krutagnyata ke bhav, and second is giving. And this my friend in industry is always firm believer of giving. And please give big round of claps to JP sir. Because why I told ki wo dete dete itna samay aage nikal jata hai, samay ki pabandi rehti hai, isliye sir maine pehle bol diya tha. But I request past president PIFAA Dhairyashil Patil and very humble advisor Prasad to come, Prasad Sangam to come forward and felicitate JP sir.